तो जब से PUBG न्यू स्टेट को ग्लोबली रिलीज किए हैं तब से लेके अब तक एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं कि इस गेम में एक बड़ा अपडेट कब आएगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपडेट प्रोवाइड नहीं किए, गेम को सुधारने के लिए बहुत सारा अपडेट्स ऑलरेडी हमें मिल चुका है, लेकिन एक बड़े अपडेट का इंतजार था जो कुछ दिन पहले उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था कि 0.9.2 वर्जन वाला एक अपडेट हम प्रोवाइड करेंगे। उसको करने के बाद इस गेम में काफी सारा नया फीचर्स मिलेगा, तो उसके बारे में तो आपको बताएंगे कि इस अपडेट को करने के बाद आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, लेकिन जो अपडेट का डेट था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। कब अपडेट मिलेगा इस गेम में इसके बारे में तो हमें पता नहीं, आपको अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। अबे साले, तो चलो यार जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और इस तरह से गेम के इंटरेस्टिंग अपडेट्स वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ नीचे रेड कलर के बटन को दबा के। मतलब आपको मत, तो क्राफ्टर ने खुद अपने ऑफिशियल PUBG न्यू स्टेट के यूट्यूब चैनल पे 0.9.2 पैच नोट के वीडियो को रिलीज किए हैं। उसको देखने के बाद इस अपडेट के जितने भी सारे फीचर्स वो ऐड करेंगे सभी के बारे में तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन उन सब डिटेल्स को जब हम हिंदी में मसाला डाल के सुनते हैं देखते हैं उसका एक अलग ही मजा होता है जो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इसमें सबसे पहला जो फीचर्स है एक न्यू वेपन्स जिसका नाम है L85A3 L85A3 भी बोल सकते हैं, जो एक असल राइफल का वेपन है जिसमें आप 5.56 एमओ यूज कर सकते हैं। फायर मोड की बात करें आप सिंगल शॉट भी यूज कर सकते हो या फिर ऑटो फायर भी कर सकते हो, और बाकी सारे गन्स के डिटेल आप ऑन स्क्रीन तो देख ही पा रहे हो। दूसरा जो फीचर है न्यू वेपन कस्टमाइजेशन, और इसके अंदर दो वेपन्स आते हैं। सबसे पहला है M416, जब आप सेकंड कस्टमाइजेशन करते हैं उसमें आपका जो लॉन्ग बैरल है वो एक्स्ट्रा डैमेज देगा जब आप फायर करते हो। तो दूसरा जो गन है SLR, जब आप सेकंड कस्टमाइज करते हो SLR को इसका जो रिकॉल है वो कंट्रोल ज्यादा अच्छे से आप कर पाओगे, लेकिन जो डैमेज है वो डिक्रीज हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है जब आप SLR को सेकंड कस्टमाइज करते हैं 7.62 एमओ के बजाय 5.56 एमओ को यूज करके आप SLR को फायर कर सकते हो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो अगर आपको SLR गन को यूज करके 5.56 एमओ को यूज करना है तो सेकंड कस्टमाइज इस गन को कर सकते हो। जो थर्ड जो फीचर से इस अपडेट में आपको मिलने वाला है दो न्यू व्हीकल्स, एक बहुत ही स्लो है लेकिन उसका ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छा है, और दूसरा जो है एक्सपोर्ट का टू सीटर का। सबसे पहले व्हीकल्स की बात करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, जो एक देखने में बस टाइप का लगता है। इसमें आपको 6 सीट मिलते हैं यानी एक्स्ट्रा दोनों को आप बिठा सकते हो। काफी ज्यादा स्लो है लेकिन ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छा है। अगर आपको बचना है किसी स्क्वाड से तो इस इलेक्ट्रो व्हीकल्स को यूज करके वहां से निकल सकते हो जल्दी से जल्दी, लेकिन आपको भागना है जोन की तरफ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको बिल्कुल यूज मत करना। दूसरा व्हीकल जरूर यूज कर सकते हो जिसका नाम है मेस्ता, इसका मैक्स स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब आप स्क्वाड में भाग रहे हो जोन के तरफ तो दो कार आपको चाहिए मेस्ता का, क्योंकि ये जो कार है टू सीटर वाला है तो शायद हो सकता है अपने स्क्वाड के बीच में झगड़ा करें एक कार के लिए, समझ रहे हो। उसके साथ साथ ड्राइविंग में और रोल करने में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, जो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। और उसके अलावा सर्वाइवल पास वॉल्यूम 2 भी दिसंबर 9 से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आज है दिसंबर 10, अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि अपडेट इन्होंने प्रोवाइड नहीं किए, यानी क्राफ्टर ने खुद ये कंफर्म किए हैं कि उनका जो ये अपडेट है उसे डिले कर दिया गया है। कब अपडेट प्रोवाइड करेंगे ये तो उनको भी नहीं पता। और आखिर में जो फीचर से इस अपडेट में आपको मिलने वाला है एक न्यू लॉबी का थीम, और साथ साथ इमोट्स भी अभी फिलहाल आप लॉबी में यूज कर सकते हो दोस्तों के साथ, और अगर आपका दोस्त आपको जानबूझ के मारता है उसको आप रिपोर्ट भी कर पाओगे इस अपडेट को करने के बाद। तो देखते हैं ये अपडेट हमें कब मिलता है, अगर जल्दी से जल्दी मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब तक ये अपडेट प्रोवाइड नहीं करेंगे हम थोड़ी ना कहीं से अपडेट कर पाएंगे। उम्मीद करते हुए छोटे से अपडेट वीडियो को देखने के बाद PUBG न्यू स्टेट का जो आने वाला अपडेट है 0.9.2 वर्जन उसके बारे में सभी डिटेल पता चल चुका है। मुझे पता है आप लोग कमेंट करने वाले हो कि ये अपडेट हमें कब मिलने वाला है, ये तो क्राफ्टन को खुद नहीं पता कि अपडेट वो कब प्रोवाइड करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा यार। अगर अपडेट मिल जाएगा तो कर लेना, नहीं मिल रहा है तो वेट करते रहो। तो वीडियो कहीं भी पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस तरह का और इंटरेस्टिंग गेमिंग अपडेट्स के वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़ जाओ इस लोगो बटन को दबा के। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।